हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी शानू रावत. आज मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर आई हुई हूँ. तो उन्होंने एक पार्लर वाली आंटी बुलाई है तो मैं उन्हीं से मेकअप करवाने वाली हूँ. तो देखते हैं कि कैसा करते हैं आंटी मेकअप. तो मिलते हैं मेकअप में. तो आंटी ने मेरे मुंह पे फाउंडेशन लगाया और अच्छे से क्लीन करा, जैसे कि मसाज लगा रही हूँ. मसाज कर लेंगे फेस पे. अब आंटी ले आई अपना फाउंडेशन जो कि मुझे सफेद सफेद बनाएगा. आंटी ने सारे पॉइंट पॉइंट करके मेरे मुंह में पुट्टी लगा दी है और ये पुट्टी कामयाब हो चुकी है. तो आंटी इस पुट्टी को थोड़ा फिनिश दे रही है मेरे फेस में. अब आंटी अपनी ब्रश की जगह अपना स्पॉन्ज ले आई है, उससे और अच्छे से फिनिश आ जाएगी मेरे फेस पे. ये आंटी ने फिनिश दी, इतनी जोर जोर से दी कि क्या बताऊं, मेरे फेस ऐसा मार मार के सूजा दिया उन्होंने. अभी भी उनको चैन नहीं आया, वो दोबारा ले आई है मेरे फेस को और वाइट करने के लिए अपना फाउंडेशन. और ऐसे मार रही कि क्या बताऊं मैं. आंटी को मैं बोल भी रही थी बार बार, आंटी मेरे फेस मुंह में छाल आ रहा था, मत मारो, पर तब भी उनको सुनाई नहीं दे रहा था. वो लगी हुई थी. तो इससे पता चलता है आंटी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से काम करती हैं. तो इनके पास सब जाना ऐसे ही अपने आप को धुलाने के लिए. ये मैं देख रही हूँ आंटी दोबारा फाउंडेशन ले आई, उनको अच्छा नहीं लगा शायद से मेरा फेस. तो उन्होंने दोबारा से फाउंडेशन लगाया और दोबारा से मेरे फेस को पीला कर दिया. ज्यादा वाइट हो गया था तो अब उन्होंने येलोइश कर दिया, थोड़ा ब्राउनिश कलर. तो उन्होंने इसको भी अच्छे से मार मार के सेट कर दिया मेरे मुंह में, जो कि आप देख ही रहे हो. अब लग रहा है कि आधी कहीं से मैं पिटी हुई हूँ, आधी कहीं से नहीं पिटी हुई. तो ये देखो आंटी ने तो ऐसे छीना है मेरे से. पता नहीं कौन से चरण की दुश्मनी निकाल रही है आंटी. गाता चल मुसाफिर, गीत गाता चल, यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है पीटता चल मुसाफिर, पीटता चल. तो ये मेरी स्किन में इतना पीट रही मैं क्या बताऊँ. आंटी ने कंसीलर स्टिक से मेरे मुंह में इतनी जोर से नोचा है कि मैं क्या बताऊँ. ये देखो दोबारा से नोच रही है. इतना इरिटेट कर रही थी आंटी, मेरी स्किन इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी कि मैं स्टैंप ही समझ गई थी कि ये मुझसे कोई पिछले जन्म का टॉर्चर कर रही है मेरे साथ, कोई बदला ले रही है मेरे से पिछले जन्म का. अब आंटी ले आई अपना फेस पाउडर स्पॉन्ज और उससे भी कैसे लगा रही है. इन्होंने स्किन के मेरे पूरे छिलके निकाल दिए थे, अगर आप पास देखोगे तो. आई शेडो आप कौन से कलर का लगाओगे? रेड कलर का. रेड रेड और गोल्डन, ठीक है. ओके, आप बस देख लीजिए पहले कैसे करेंगे मेकअप. आप आईब्रोज डार्क नहीं करेंगे पहले आपका उसका कॉम्बिनेशन देंगे, पहले आपके आईज का कलर देंगे, फिर उसके बाद आपका करेंगे. आप देखिए पहले, अगर मैंने स्टार्ट नहीं करा आपका आईज का. तो आंटी ने यहाँ मेरी आंखों में आई मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये रेड कलर का कर रही हैं. और मैंने बोला था इनको रेड कलर करने के लिए, पर देखना कैसे से कर रही हैं आंटी. अब इन्होंने और कुछ लगाया, अब इन्होंने और लाल परी बनाया. और आंटी कामयाबी के रस्ते बहुत नज़दीक है. आंटी ग्लिटर लगाया क्या आपने? नहीं, ये वो है आंटी. ग्लिटर नहीं लगाना मेरे, नॉर्मल आप कर दीजिए. गोल्डन कलर का तो ग्लिटर नहीं लगवाना मुझे. तो पहले बोल देते आपकी ग्लिटर नहीं लगवाना, आप इसको ठीक कर दो, मेरे को नहीं अच्छा लगा. अब ये क्या आपका दोबारा से मुझे फिर आईज का मेकअप दोबारा से स्टार्ट से करना पड़ेगा. तो आप कॉटन से थोड़ा क्लीन कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये ग्लिटर. नहीं आप देखिए आप मैच हो रहा ना आपके सूट के, कितना सही मैच हो रहा आपके सूट के गोल्डन वर्क के साथ. ठीक है आप कर दीजिए आपको. तो आंटी ने अब मेरे यहाँ पे मेकअप रिमूव कर रही है आईज का, जो कि आंटी ने मुझे लाल परी से बना दिया था कुछ ग्लिटर से लगा कर. वो ग्लिटर भी इतना गंदा क्वालिटी का था कि वो ढंग से लगा ही नहीं था मेरे इसमें, मतलब कि कुछ कुछ पार्टिकल्स दिख रहे थे. तो अब आंटी मेरे दोबारा से लगा रही है आई शेडो. आंटी बहुत मेहनती है, आंटी को देख कर तो मुझे एक जज्बा मिला कि हाँ लोग इतने मेहनती हैं कि वो बार बार दोबारा आँख खराब करने में लगे हैं. अब आप आगे देखते हैं आगे क्या होता है मेरे साथ. आपकी आईब्रो थोड़ी सी पतली है तो उसको ना थोड़ा सा शेड देने के मुझे थोड़ा सा आपकी आईब्रो को डार्क करना पड़ेगा, जिसका मुझे इससे थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल से काम नहीं होगा आपका. ज़्यादा डार्क मत करना, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल लगेगी देखने में. ठीक ठीक
बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कर दे, इसको थोड़ा ठीक करो, मेरे को दे दो, मैं कर लेती हूँ। जनरली वैसे ये काजल थोड़ी यूज़ करता है, आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं। नहीं, आपके आईब्रो बहुत ही थिन है, तो फिर मैंने काजल इस वजह से यूज़ करा। तो आपने तो लंबी भी इतनी कर दी आंटी, तो आपके फेस पे दिखना भी तो चाहिए बेटा। आपने नॉर्मल पेंसिल से ही कर दीजिए, इतना भी डार्क मत करना प्लीज़ आंटी। अच्छा करो, थोड़ा एक पूरा रिमूव कर दो क्या? नहीं ठीक है, आप नॉर्मल अभी शेड लगा लो कोई भी, मतलब आईब्रो पेंसिल से हल्का हल्का। आईब्रो पेंसिल नहीं है मेरे पास में बेटा, आपके पास क्या? आप जैसे करना कर दो आंटी, थोड़ा धीरे ठीक लग गई देखिए। ठीक है, ये आंटी दोबारा से लगा रही है मेरी आंखों के ऊपर आई शैडो। उन्होंने कुछ लाल की जगह सफेद सफेद कर दिया, इनको उनको लगा मुझे रेड पसंद नहीं आया, तो उन्होंने अब गोल्डन स्टार्ट कर दिया करना। ये ऐसे इनके जो ब्रश था इतना ज्यादा हार्ड था कि वो मेरी स्किन पूरा छीन रहा था, इतना रैशेस पहुंचा रही थी। मुझे लग रहा था मैं आंटी से मेकअप कम और अपनी स्किन को ज्यादा मार पड़वा रही हूँ। बाकी आंटी के पास ब्रशेस वगैरह सब थे, इनके पास इनका जो मेकअप का सामान था वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब आंटी ने देखो मेरा सर पकड़ के इन्होंने मेरे लाइनर लगाना स्टार्ट कर दिया, और लाइनर इनका इतना थिक था कि वो सूख ही नहीं रहा था। अब आंटी दोबारा से मेरे लाइनर को और थिक कर दी, जैसे कि इनके पास फ्री में आ रहा लाइनर। ये आंटी ने दूसरी आँख में भी लगाया थिक तरीके से एकदम, और इतना थिक कर कर इतना थिक कर दिया कि वो सूखा ही नहीं। अब वो शायद सर्दियाँ थी इसलिए नहीं सूखा, या फिर उनकी लाइनर की क्वालिटी इतनी गंदी थी। ये आंटी अपने साथ एक पंखा भी लेके चलती है न्यूज़पेपर का, तो उन्होंने न्यूज़पेपर से इनको पता था कि ये सूखता ही नहीं शायद उनका लाइनर, तो उन्होंने मेरे लाइनर को सुखाने के लिए एक पंखा दे दिया मुझे। अब ये लगा रही मेरा आई शेडो, और आई शेडो लगाने का तरीका देखो आंटी का, नीचे की साइड से लगा रही है, वो भी उन्होंने जो मेकअप करा था थोड़ा बहुत ठीक ठीक उसको भी उन्होंने ख़राब कर दिया। दोबारा से इसको क्लीन करने लग गई क्योंकि इनको आइडिया है ही नहीं आंटी कैसे लगाते हैं। अब ये आंटी दोबारा पोतने में लगी हुई थी, पोतने में लगी थी, उन्होंने इतना पोता मेरे ऊपर आई शेडो की, क्योंकि उसके अंदर कैसे वो अलग ही वो गोल्डन से कुछ अलग ही शेड आ गया। फिर आंटी मेरी आंखों को सुखा रही थी, आंटी बहुत मेहनती थी, इनके लिए मैं इनको 10 नंबर दूंगी, बहुत मेहनती आंटी थी। और ये मुझे बोल रही थी आंखें खोल के दिखाओ जरा, और जैसे मैं आंखें खोल रही थी वैसे ही आंटी का वो लाइनर चिपक जा रहा था मेरी आंखों के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी आंटी इस चीज के लिए। बेटा आपसे बातें रिक्वेस्ट है, आप ऐसे खराब मत करिए, ये तो देखिए सारे टाइम हमारा लाइनर लगाने की लगा है और लाइनर सुखाने की लगा है। आंटी आप कम लगाते हो ना बेटा, आपका मेकअप हैवी है, सूट आपके इतना हैवी है, तो आंटी को सूख भी तो नहीं रहा ना इतनी देर में। बेटा आप उसको सूखने दोगे तो सूखेगा ना, आप उसको खुद ही सूखने दे रही हो अपनी गंदी वाली स्टिक से जो कि इतना हार्शली मेरे ऊपर चला रही थी। वो ये लाइनर दोबारा इनका आई शेडो खराब हो रहा था, ये दोबारा लाल आके उन्होंने अपनी पैलेट से सबसे इसी में ही खर्चा करा मेरी आंखों में। और फिर बाद में उन्होंने बोला मुझे कि ये तो ब्राइडल मेकअप है, और फिर इन्होंने दोबारा मस्कारा लगाया मेरी आंखों में। आंटी का मस्कारा लगाने का स्टाइल तो देखो जरा, ऊपर की साइड से लगा रही थी, ऐसे नहीं कि आंखों से नीचे की साइड से लगाए। तो ये आंटी ने दोबारा से देखना जो आई शेडो था वही उन्होंने मेरे ब्रश में लगा हुआ था, वही उन्होंने मेरे गालों में तोप दिया। अब आंटी उसी आई शेडो से मेरी कॉन्ट्रिंग कर रही है ना उसकी। अब इन्होंने मेरी आंखों में काजल लगाई जो कि अच्छी लगाई, आई लाइक आंटी ने मेरी आंखों में काजल लगाई, हाँ अच्छी थी। पर आंटी ने मेरे गालों को क्या सुझा दिया था, ये एक लड्डू यहाँ दूसरे गाल में, एक ब्राउन लड्डू वहाँ दूसरे गाल में। सर्दी चल रही, सर्दियों के वो लड्डू होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स वाले, कुछ वैसे ही सा फील हो रहा है मुझे। ये आंटी ने मुझे इतना ज़्यादा शाइनी शाइनी पहुँचा दिया बिना कॉन्टोरिंग करे और बिना
ब्लश लगाए, लोग तो ब्लश लगाते हैं, ये मुझे कुछ चॉकलेटी रानी बना रही थी। ये इन्होंने मेरी लिपस्टिक लगाई जो कि इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ही टेढ़ी सी लगा दी थी खुद की तरह, पर तब भी आंटी मेहनत कर रही हैं, अच्छी कर रही हैं, बहुत अच्छी कर रही हैं आंटी मेहनत। आंटी ने टेढ़ी सी लगा दी, अब आंटी दोबारा से लगाएंगी शेप से। आंटी ने दोबारा से मेरे गालों में लगाया ब्लश, ब्लश की जगह आंटी ने मेरी आंखों में बार बार आई शेडो लगा रही है वो, क्योंकि वो एकदम मैचिंग करना चाहती है मेरे गालों को मेरी आंखों के साथ। ये आंटी ने अब लगाया लास्ट में कॉन्टोरिंग, जब मैंने उनसे पूछा आंटी आपने कॉन्टोरिंग नहीं लगाई, कह रही वो मैं तो भूल ही गई थी, तो कुछ कुछ चीज़ तो मुझे आंटी को याद दिलानी पड़ी, और शायद से ये ब्रश लगाना भी भूल गई थी इसलिए वो ब्राउनिश कलर का ब्रश लगा रही थी मेरे फेस में। जिन्होंने अपनी टेक्निक से ब्रश मेरा ब्लेंड करा, अभी दोबारा लिपस्टिक में पहुंच गई। आंटी तो इतना ज़्यादा भूल जा रही थी कि कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। ये आंटी ने मेरे लाल लाल मेरे प्यारे प्यारे लिप्स को, छोटे छोटे लिप्स को बड़ा बड़ा बना दिया है, एकदम प्रियंका चोपड़ा स्टाइल। और अब यहाँ से मुझे फील आ रही थी कुछ मैं लग रही हूँ, अब मुझे याद आ गया था कि मैं क्या लग रही हूँ, मैं एक्चुअल में राधे माँ लग रही थी। यहाँ से इन्होंने मुझे राधे माँ वाला लुक दिया था, बस मेरे को एक टिशू की कमी थी और एक सर में दुपट्टा रखना था, बाकी मेरा पूरा लुक कम्प्लीट होने वाला था राधे माँ वाला। और ये आंटी शेख तो राधा माँ की स्टाइल की मतलब जमाने की थी पार्लर वाली, इसलिए इन्होंने मेरा ऐसा लुक करा था। देखो आंटी अब दोबारा से मेरे, अच्छा ये आंटी अब मेरे लगा रही हैं हाईलाइटर। आंटी को हाईलाइटर लगाने की भी टेक्निक नहीं पता, आंटी को कुछ पता ही नहीं था, इनके पास प्रोडक्ट सारे थे पर इनको पता ही नहीं था इनको कैसे लगाना है। ये आंटी तो आंटी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म करा, मेरी स्किन फाड़ दी पूरी अच्छी तरीके से। वो तो खैर अब मुझे बाद में पता चल रहा है कि मेरी स्किन कैसी सी हो चुकी है, एकदम लुक चेंज कर दिया। अच्छा आंटी हेयर्स का इसी में ही है ना? नहीं मेकअप भी मेकअप का था, हेयर्स का मैं ज़्यादा कर नहीं रही, आपका तो खुल ही रहेंगे हेयर, वो तो मैं बस कैसे होगा। तो इसके चार्जेस तो नहीं है ना? चार्जेस तो नहीं, मैं स्टाइल बनाना है तो बता दीजिए, बना देते हैं। नहीं स्टाइल नहीं बनाना, आप नॉर्मल मुझे खुले ही रखने बाद। हाँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ से शो कर लीजिए आपके फेस के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिए। अब ऐसे चार्जेस क्या हैं आपके हेयर के? हर हर इसके अलग अलग है, आपको कैसे जूड़ा बनाना है, स्ट्रेटिंग करवाना है। स्ट्रेटिंग के कितने? स्ट्रेटिंग के 300 रुपीज़ है। आप अभी ना ऐसे आंटी ने मेरा मुंह खराब करने के बाद आंटी मेरे बालों के साथ खेलने लगी हैं, और आंटी अलग अलग हेयर स्टाइल करके दिखा रही हैं कि देखो ये अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो चाह रही जल्दी जल्दी ये खत्म हो मेकअप और मैं यहाँ से जाऊँ। ये आंटी ने दोबारा से एक और मेकअप हेयर स्टाइल करके दिखाया कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने बोला आंटी नहीं मुझे तो बाल खुले करने हैं, तो वो तभी पीछे पड़ी है मेरे कि बाल बंद कर दो ज्यादा अच्छे लग रहे। वो तो मेरा जूड़ा बनाने के पीछे पड़ी थी, मुझे पता नहीं क्या ही बनाने में लगी थी आज। अब देखो मेरी शक्ल तो देखो कैसे भर चुकी है एकदम, मेरा फेस कितना पतला और सुंदर सा था, इन्होंने क्या बना दिया मुझे मेकअप कर करके, इन्होंने मुझे इतना सजा दिया, इतना मार मार के सजा दिया कि आप लोग देख सकते हैं कैसे सुंदर मेकअप करा है आंटी ने मेरा। बेटा आपका मेकअप हो गया, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आंटी लिपस्टिक को ज्यादा नहीं लग रही आपको बाहर? आपकी ऊँट छोटी है तो मैंने आपकी लिप को थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि फिर आपकी लिपस्टिक आपकी आपने देखा होगा कि मैंने दोबारा से इसमें वो करा है, वो छोटे होते हैं। देखना आप मुझे थोड़ा ना ये भी सही नहीं लगा आपका, क्या आई शेडो वगैरह ना आई शेडो वगैरह तो आपने आपने मतलब कुछ ज़्यादा ही हैवी मेकअप नहीं कर दिया? नहीं मैंने बिल्कुल ब्राइडल मेकअप करा, क्योंकि आपका सूट बहुत हैवी है। कितने रुपये हुए फिर आपके बताओ? 1200 रुपये। थोड़ा कम नहीं करोगे? मुझे सच्ची में इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब देख रहे हो ना आप शक्ल ही चेंज हो गई मेरी पूरी। नहीं आपका मेकअप बहुत अच्छा लगा, मैंने एकदम ब्राइडल लुक करा है, और मेरे वैसे तो मैं 1500 रुपये लेती हूँ, लेकिन आप किसी के जानकार के थ्रू आए तो फिर इस वजह से मैं आपसे 1200 रुपये ले लूँ। देख लो आंटी थोड़ा कम कर सकते हो कर लो। नहीं हजार मैं आपको हज़ार दे देती हूँ। नहीं बेटा मेरा इसमें बहुत सामान लगा है, आप ही देख लीजिए, मैंने आई शेडो में लिपस्टिक में हर जगह मैं आप फेस कर लीजिए कितना बड़ा सामान लगा है, प्लस मैंने 2 घंटा लगा इसमें। ठीक है आंटी, ओके थैंक यू आंटी। तो गाइस आंटी चली गई है, आप देख सकते हो आंटी ने कैसा मेकअप करा है। सबसे पहले तो ये लिपस्टिक कितनी गंदी लगाई उन्होंने, ऐसे इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी। और आंटी ने लुक अच्छा दिया है, मना नहीं कर रही, पर आंटी ने कुछ ज़्यादा देखो क्या कर रखा है। एक गलती ये भी थी कि बार बार ना लाइनर इनका इतना ज़्यादा उन्होंने थिक कर रखा था कि वो सूख ही नहीं रहा था और वो हिल रहा था बार बार।
और उसके बाद ये देखना इन्होंने बेस भी अच्छा करने की कोशिश करी पर ढंग से कर नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से तो ये वर्स्ट मेकअप था मेरे लिए, कोशिश अच्छी करी थी बट वर्स्ट था, एकदम लुक ही चेंज कर दे, मुझे और अच्छा बना दिया मैरिड वुमन। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।